इस बीच दर्शक हमारी हैं, एक सोना कुमारी रांची से हमारे साथ जुड़ी हैं। सोना, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी सर। जी सोना, हेलो। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम, मुझे मेरा 5 इयर्स के लिए गोल है जी, कि मैं बैलेंस फंड में 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। जी तो यह मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं? और मैं मेक करेक्शन करना चाहती हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। मैंने अपना इनकम इनकम जो दिया था, एनुअल इनकम, वो मैंने गलती से 5.48 लाख दिया था। हाँ जी, 3.48 है। जी चलिए, बिल्कुल सोना, जिस तरह से आपका सवाल हम देख पा रहे हैं, और आपने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, और आपने साथ ही लिखा है कि आपको पोर्टफोलियो पर भी राय चाहिए, आपका आरडी, एफडी और पेंशन प्लान में आप इन्वेस्ट कर रही हैं, साथ ही आप ये भी जानना चाहती हैं कि म्यूचुअल फंड में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती हैं और कौन से वो बेहतर म्यूचुअल फंड हैं जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। हर्ष जी, कौन से म्यूचुअल फंड ये इंक्लूड कर सकती हैं अपने पोर्टफोलियो में? तो आई थिंक सोना कुमारी जी, आपने सही सवाल पूछा है। सवाल ये होना चाहिए कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपने बैलेंस्ड फंड कहा है, यानी करीबन 70-75% इक्विटी और 30-35% डेट। तो 5 साल की जो अवधि है, और अज्यूमिंग आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी है, तो बैलेंस्ड फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये चूज करना कि बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करना है, यानी इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। उसके बाद अगर बैलेंस्ड फंड में आपको करना है, तो अच्छे बैलेंस्ड फंड्स कई हैं। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड फंड देख सकती हैं, एचडीएफसी का बैलेंस्ड फंड है, एचडीएफसी प्रूडेंस है, आपका टाटा बैलेंस्ड फंड है। कई बैलेंस्ड फंड्स हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो स्कीम से ज्यादा, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपको बैलेंस्ड फंड में करना चाहिए और सिस्टमैटिकली करना चाहिए, यानी 60 महीने की अवधि पर हर महीने कुछ सेम अमाउंट्स आप इन्वेस्ट करिए। जी हर्ष जी, फिलहाल आप इनको बैलेंस्ड फंड आप रिकमेंड कर रहे हैं, और आपने सिस्टमैटिकली भी इनको इन्वेस्ट करने के लिए बोला है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो अपने गोल की बात करी है, काफी इन्होंने डिवाइडेड गोल की बात करी है। इनको 5 इयर्स में 10 लाख का गोल है, और 10 साल में इन्होंने 15 लाख के गोल की बात करी है। और साथ ही जिस तरह से हम देख सकते हैं इनके सवाल में, इन्होंने आगे 21 इयर्स में इनका जो अमाउंट है, फ्यूचर वैल्यू 50 लाख की, और साथ ही इन्होंने 1.5 करोड़ की भी बात करी है। बैलेंस्ड फंड के अलावा इनके पास और कौन से विकल्प ये चुन सकती हैं फिलहाल? सो ओवरऑल अगर देखें तो जो कम अवधि का गोल है, 5 साल का, 10 लाख का जो गोल है, उसमें अगर रिस्क थोड़ी सी कम लेना चाहती हैं, तो बैलेंस्ड फंड चुन सकती हैं जिसमें डेट ज्यादा हो, उसको मार्केट की भाषा में एमआईपी फंड्स कहते हैं। उसके लिए भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है, एचडीएफसी मल्टीपल ईल्ड फंड है, या बिरला सनलाइफ MIP2 फंड्स है। तो ये कम रिस्क वाले फंड्स हैं जिसमें 75-80% डेट में इन्वेस्टमेंट होता है, 20-25% इक्विटी में होता है। और जो लंबी अवधि के गोल हैं, फिर चूंकि उन्होंने कम अवधि में ज्यादा डेट इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो लंबी अवधि के गोल में फिर ये रिस्क ले सकती हैं, लार्ज कैप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप है, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है, एचडीएफसी टॉप 200 है, या और उससे भी लंबी अवधि के हैं, उसमें चूंकि अब डेट में काफी कंपोनेंट इनका जा चुका है, तो मिड कैप में भी ये मिड कैप फंड में भी देख सकती हैं थोड़ा हिस्सा, जो फंड्स की आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी है, या एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस ग्रोथ फंड्स हैं, ये भी आप देख सकती जी। तो कहीं ना कहीं अपने गोल के हिसाब से ही अपना निवेश का नजरिया भी अपना सकती हैं, और साथ ही अगर इनका 5 साल से कम का नजरिया है, तो थोड़ा ये कम जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए इनको थोड़ा जोखिम लेके ये चल सकते हैं, और साथ ही रिकमेंडेड फंड्स भी इनको बता दिए गए हैं। चलिए, हमारे अगले दर्शक है।